हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेकंड कैटेगरी जो कि घटकों की इकाइयों एवं अंतराकड़ी बलों पर आधारित है, इसको लेकर के सॉलिड सबस्टेंस को क्लासिफाइड करेंगे। जबकि कल हम लोगों ने फ्लो चार्ट के माध्यम से इनका क्लासिफिकेशन समझा था और आज डिस्क्रिप्शन लेंगे, साथ में इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स। बच्चों, इन्हें आणविक ठोस कहते हैं और जैसा कि इनका नेम है कि जो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अर्थात जो घटक कण हैं, वे अणु होते हैं। तो इस पर आधारित इनकी डेफिनेशन हो जाए कि ऐसे ठोस क्रिस्टलों में जो घटक कण हैं, वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, और ये वंडरवाल फोर्सों के द्वारा एक दूसरे से कंजुगेट रहते हैं, बंधे होते हैं। इन्हें तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं जो कि मेन टाइप्स हैं, और उनमें से पहला टाइप से आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या ध्रुवीय आणविक ठोस। बच्चों, इस प्रकार के जो सॉलिड्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक अणु स्ट्रांग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, या कहने की द्विध्रुव और द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये ठोस सामान्य स्थिति में जो फिजिकल स्टेट है वो गैस या लिक्विड प्रदर्शित करते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। सो बच्चों, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिस्कशन कर लें। फर्स्ट इज दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर सॉफ्ट इन नेचर, यानी ये जो ठोस हैं ये मृदु होते हैं, एंड दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एंड थर्ड, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट्स है वो अपेक्षाकृत लो होता है, अर्थात ये कम गलनांक वाले होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड अमोनिया NH3। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके सेकेंड पार्ट का, जो कि नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कहलाते हैं। बच्चों, इन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, और जैसा इनका नेम है इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफाइन करें, देन वेट सॉलिड्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय इनर्ट, अब इनर्ट जब नॉमिनेट करते हैं बच्चों, देन जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं बिकॉज दे आर नोबल गैसेस। व्हाई? द नोबल गैसेस कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। बच्चों, ये वे एलिमेंट्स हैं जिनका स्टेट तो गैस है ही, और साथ में इनके बाह्यतम कोष के जो ऑक्टेट हैं अष्टक, वे 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होते हैं हीलियम को छोड़कर। सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले लें यहां पूरे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का, देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए देन इन एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो बच्चों, ये वे सॉलिड हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या केमिकलिक इनर्ट या अनएक्टिव एटम से मिलकर के बने होते हैं, देन इन्हें नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। और सबसे मेन स्पेशलिटी या प्रॉपर्टी है कि ये दुर्बल वंडरवाल्स फोर्सों से एक दूसरे से कंजुगेट होते हैं, जुड़े रहते हैं। प्रॉपर्टी में चलें, देन इनका भी जो नेचर है एक्सटर्नल या फिजिकल नेचर है, वे सॉफ्ट होते हैं यानी मृदु होते हैं, एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स इज ऑल्सो लो इन द कंपेरिजन ऑफ पोलर सॉलिड्स। बच्चों, अगर ध्रुवीय आणविक ठोसों से इनकी तुलना करें तो इनका जो गलनांक है वह है ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होता है। और बेस्ट एग्जांपल ले लें इनके, देन हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म है इसकी, इसी तरह से हैलोजन्स के एग्जांपल्स हैं क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स इज नेम्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। बच्चों, इन्हें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं, और जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्कशन करते हैं देन केमिकल बॉन्डिंग
चैप्टर में आपको मैंने स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन पढ़ाया है, उस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जाएगा। बट यहां हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तब उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज ले लें इनके, देन नॉर्मल कंडीशंस में ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, बट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के परास में ये सॉलिड भी हो सकते हैं, देन इजिली कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के सुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों चूंकि हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, यहां इलेक्ट्रिकल केस पढ़ रहे थे, देन ये इनका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं वे इलेक्ट्रिक के बैड कंडक्टर्स होते हैं, अर्थात ही विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऐसे हम एग्जांपल्स ले लें इनका, जैसे HF, और HF के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बताया था मैंने, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इस तरह से ये कंजुगेट होते हैं बच्चों। तो यहां इन पर हाइड्रोजन बॉन्ड को सिंबलाइज करते हैं, और जिस तरह से हम यहाँ डॉट लाइन से इनको शो कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करते हैं। तो ये बच्चों विद्युत के कुचालक होते हैं, और बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों चलते हैं सेकेंड टाइप्स में, और इन्हें नॉमिनेट करते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अकॉर्डिंग टू देयर नेम कंपोनेंट्स आर कंजुगेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यू नो दैट द एटम्स आर कंजुगेटेड विथ सिंगल बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स आर ट्रिपल बॉन्ड्स बिकॉज इट इज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सहसंयोजक बंध बनने की एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। बट इन द केस ऑफ सॉलिड, बच्चों ठोस प्रावस्था के आधार पर हम जब इन्हें क्लासिफाइड करते हैं, देन कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वे प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात इनमें जो घटक कण हैं ये परस्पर सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये परस्पर एटॉमिक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं जिसे परमाणु जालक कहते हैं। चूंकि सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, मींस दैशिक होते हैं, तो ये अपने स्थान पर स्ट्रांगली फिक्स्ड होते हैं और स्थिर रूप में पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएं बच्चों, तो इनका जो फिजिकल नेचर है वो सॉलिड होता है, यानी कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। डिस्कस करें इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का, तो ये हाई होते हैं, उच्च होते हैं, और अगर इनकी प्योर फॉर्म ली जाए, शुद्ध प्रावस्था ली जाए, तो ये गुड बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर ये इम्प्योर फॉर्म में लिए जाए, इनमें अशुद्धियां उपस्थित हों बच्चों, तो उस समय ये सेमी कंडक्टर्स के फॉर्म में फंक्शन करते हैं, और तब इनमें करंट को पास किया जा सकता है। तो शुद्ध फॉर्म है बैड कंडक्टर यानी कुचालक, और अशुद्धियों की उपस्थिति से ये इनमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, तब इन्हें हम सेमी कंडक्टर्स यानी अर्धचालक कहते हैं। और एग्जांपल्स ले लें, देन बोरॉन, कार्बन, बच्चों ब्लैक फास्फोरस भी आपका सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड में आता है, बोरॉन नाइट्राइड BN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, सिलिका SiO2 और सिलिकन कार्बाइड SiC आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स। तो डिस्कशन कर लेते हैं अगले टाइप्स का, जिन्हें आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। बच्चों जब नेम आयनिक आता है तो हमें चार्जेज का रिलेटेड व्यू समझ में आना चाहिए, और यहां जो सॉलिड्स हैं वे प्रॉपर इन्हीं आयनों से मिलकर के बने होते हैं, बिकॉज आयन्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, नेम्ड पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन।
बच्चों इन्हें धनायन और ऋणायन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो यहां ये इस प्रकार के सॉलिड्स हैं जो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर के बने होते हैं। तो वे ठोस जो आयनों से मिलकर के बनते हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब एकांतर का डिस्कशन करते हैं बच्चों, देन पॉजिटिव आयन, उसके बाद नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव और देन फिर नेगेटिव। और इसका एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में बच्चों। तो अगर यहां इनका अरेंजमेंट देखें हम कुछ इस तरह से, देन यहां फर्स्ट आयन है आपका पॉजिटिव फॉर NaCl, मैं इसको स्ट्रक्चर को मेक कर रहा हूं, और इसको ब्रेक करेंगे देन Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो इनका जो कंजुगेशन है बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, और इस फॉर्म में चले देन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरह बच्चों ये अपने क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए इनके प्रॉपर्टीज में, तो ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स अथवा कोलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये सॉलिड्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल जालकों का स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है यानी न्यूनतम होता है, मिनिमाइज एनर्जी शो करते हैं। नेचर में सॉलिड होते हैं अर्थात ये कठोर होते हैं, और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों गलनांक, वह अधिक होता है उच्च होता है, और थोड़ा डिफरेंट केस होगा इलेक्ट्रिसिटी पर कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि अभी बैक में जो भी पढ़ा हम लोगों ने वे सभी कुचालक थे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, बट ये आयनिक सॉलिड्स हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जाम्पल्स में सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लिथियम क्लोराइड आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। देन डिस्कस करते हैं बच्चों इसकी लास्ट टाइप का, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। अकॉर्डिंग टू देयर नेम ये मेटल्स हैं, और बच्चों इन्हें डिफाइन करने से पहले अगर हम प्रॉपर्टीज में चले मेटल्स की, देन वी नो दैट मेटल्स हु डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, धातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, विशेष चमक वाले होते हैं, गिराने पर पीटने पर एक विशेष प्रकार का साउंड क्रिएट करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये इनके एक प्रॉपर्टीज हैं जो हम मेटल्स में डिफाइन करते हैं, और जब सॉलिड केस में इन्हें डिफाइन करते हैं देन वी सेज दैट सामान्यतया ये धातु कहलाते हैं, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जो घटक कण हैं वो एटम्स होते हैं जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा मीन्स मेटेलिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। रीजन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वे उपस्थित होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस इनमें से पाई जाती है, और इसी वजह से ये ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इनमें विशेष चमक पाई जाती है, एग्जाम्पल ले लें अगर आयरन का, आप देख पाते हैं कि अगर ओल्ड आयरन है या सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एरियोबिक रीजन में प्रेजेंस रखने पर इम्प्योरिटीज के कारण या ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण कुछ अपनी चमक कम कर देते हैं, पुराने से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बच्चों अगर इन्हें शार्प पार्ट से खुरच दिया जाए, हीट दे दिया जाए, तरास दिया जाए, तो इनकी एक्चुअल साइन
यानी वास्तविक चमक जिस प्रकार होती है वो उसका पता चलता है। इसलिए एक इनका विशेष नेचर है कि जो मेटल्स हैं वे स्पेशल साइन वाले होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। देन अगर इन्हें हीट करें बच्चों, तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट्स पर मेल्ट हो जाते हैं और उस समय हम इन्हें सिल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात इनकी चादरें बना सकते हैं और इनके वायर्स खींचे जा सकते हैं, अर्थात इन्हें तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, धात्विक ठोसों से चादरें और इनके तार बनाए जा सकते हैं। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ये सब आपके बेस्ट मेटेलिक सॉलिड्स हैं। और इनमें से आपका आयरन और एल्यूमिनियम, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने वाला मेटल है। और साथ ही साथ बच्चों, जो एलॉयज हैं यानी मिश्र धातु, वे भी आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स हैं। तो बच्चों, L3 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का आज डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक्स्ट क्लास जो कि पार्ट वन से होगी अगले सेगमेंट में, वहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल्स का, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स का और लेटिस फॉर्मेशन का, जो कि बिल्कुल एक न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। देन अब टॉपिक और इंटरेस्टेड होते जाएंगे, तो बने रहिए, अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए और पार्ट वन के कॉपीज में आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिए।